हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। लास्ट टाइम हमने किया था वेदर की डेफिनेशन क्या होती है कि वेदर हम कैसे किसी प्लेस का पता चलता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा वही चल रहा है। अभी नेक्स्ट हम पैराग्राफ करेंगे, स्टार्ट करते हैं। द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। वेदर एक इतना कॉम्प्लेक्स उलझी हुई प्रोसेस है दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बड़े ही कम टाइम में ये चेंज हो जाता है। इट कैन हैपन सम टाइम दैट इट इज़ सनी, कई बार आपको लगता है जैसे सूरज निकला हुआ है मॉर्निंग में, बट सडनली क्लाउड अपेयर फ्रॉम नो वेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवी। पता नहीं कहाँ से बादल आ जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। आर हैवी रेन में वैनिश इन मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और बहुत कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है और एकदम में ख़त्म भी हो जाती है मिनटों में, और उसके बाद फिर से क्या हो जाता है, सूर्य निकल जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ हुए होंगे, ट्राई टू रिकॉल, इनको याद कीजिए ऐसे कुछ एक्सपीरियंस को, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए। सिंस वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हमने पहले ही बताया कि वेदर क्या है, बहुत ही उलझी हुई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। तो इसको प्रिडिक्ट करना, पहले ही अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि थोड़े ही टाइम बाद क्या होने वाला है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 to 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय इन फिगर 7.2। इन्होंने बोला कि ये ग्राफ देखिए, ये 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक का दिया है, वो कहाँ कहाँ का वेदर रिपोर्ट शो कर रहा है, मेघालय और शिलोंग की ये बताया है। मैक्सिमम टेम्परेचर भी यहाँ पे देखिए टेबल पे दिखाया है साइड पे, 26 फिर 23 हो गया, 25 हो गया, 22 हो गया, कैसे ऊपर नीचे ये सब कुछ हो रहा है। ये वेदर रिपोर्ट ऊपर थी, फिर नीचे हुआ, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, ये क्लियर हो जाता है किसी भी वेदर रिपोर्ट से कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। हर दिन का मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर आपको रिपोर्ट में दिया होता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड, क्या आप जानते हो कि इन टेम्परेचर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न, आपने चैप्टर 4 में ये पढ़ा होगा दैट देयर इज स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। ये चीज़ याद रखिएगा, नोट कर लीजिए यहाँ पे। वो मतलब थर्मामीटर जिनको स्पेशली इनके लिए बनाया गया होता है टेम्परेचर नोट करने के लिए, वो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स होते हैं जो आपने चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम, कि डे में मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ओकर जनरली इन द आफ्टरनून, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादातर कब होता है, आफ्टरनून के टाइम पे। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ओकर जनरली इन द मॉर्निंग, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर जो आपको नोट करना होता है वो किस टाइम पे किया जाता है, जनरली मॉर्निंग के टाइम पे। इट मीन्स कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका आफ्टरनून में लिया जाता है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो मॉर्निंग के टाइम पे लिया जाता है। कैन यू नो अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कम्फर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश की है कि आफ्टर गर्मियों के दिनों में आफ्टरनून के टाइम पे आप बड़े ऐसे परेशान हो जाते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते, जबकि शाम और सुबह के टाइम पे, जब सुबह के टाइम पे आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। इन समर सरगर्मी की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट का टाइम देखा है, समर की बात कर रहे हैं। यू नो दैट इन विंटर, आप जानते हैं कि विंटर में इट बिकम्स डार्क अर्ली, अंधेरा जल्दी हो जाता है, एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, आपको खेलने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता। आर द डे शॉर्टर इन विंटर दैन इन समर, क्या तो दिन होते हैं सर्दियों में कि वो गर्मियों के कंपेरिजन में छोटे होते हैं। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि क्या सर्दियों में दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ट्राई टू फाइंड इट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आपको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, ठीक है, आपने इसको कम्प्लीट करना है, आपको एंड ऑफ चैप्टर में एक प्रोजेक्ट दिया गया है, ये सब फाइंड करके आप उसको कम्प्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक है वेदर का हमने किया है, और उसके बाद आगे आपका नेक्स्ट क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, मेट्रोलॉजिस्ट वही होते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट निकालते हैं, उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये रिकॉर्ड करते हैं वेदर हर दिन। रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द लास्ट पास्ट सेवन डिकेड, इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, डिकेड्स होता है 10
दस दस साल के लिए पास्ट, आपको पीछे 10 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा मौसम का। ये आपको पता है, बोलते हैं ना कि ऐसी 40 साल के बाद बारिश हुई है, 20 साल के बाद, वो कहाँ से पता चलता है? वो इन्हीं रिकॉर्ड से पता चलता है, ठीक है। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस, ये हमें हेल्प करता है किसी एक प्लेस का वेदर जानने में। तो जो एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर लॉन्ग टाइम, वो वेदर पैटर्न जो बहुत टाइम तक जिसको रखा जाता है, बोल सकते हैं 25 साल तक, इस काल द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, वो जगह का क्या हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है, ठीक है। वेदर पैटर्न जिसको लंबे समय तक रखा जाता है, बोल सकते हैं 25 ईयर्स के लिए, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट उस प्लेस का, ओके। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज़ हाई मोस्ट, अगर हमें पता चले कि किसी जगह का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट, तो हम कहते हैं उस जगह क्लाइमेट क्या है, बहुत ही हॉट है। इफ़ देर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस, अगर कुछ जगह पे लगातार बारिश होती रहे कुछ दिनों के लिए, तो हम कहते हैं कि उस जगह का प्लेस इज़ हॉट एंड वेट, दोनों मॉइस्चराइजेशन भी है और गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी हो गई वेट में, गीला लगता है ना वेट, बोलते हैं वेट का मतलब होगा कि रेन्स वहाँ पे होती रहती हैं, गर्मी तो है लेकिन बारिश भी होती रहती है, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।